बीजेपी तो हारेगी कि बगावत करेगी, बसंत या अनिता है जो अनिता को टिकट ना मिलो, यहाँ जवाहर बेटम मिल गो, जवाहर बेटम तो बताना सही काम है, ये ना चले टिकट विकेट ये तो पिट गई नगर टिकट तो बीजेपी को, वाजीबल जीते वो। तो अनिता सिंह भी एक समर्पित कार्यकर्ता थी भारतीय जनता पार्टी की, और उन्होंने भी घर घर में उनकी पहचान है, भारतीय जनता पार्टी को सींचा है उन्होंने, तो ये भी मेरे हिसाब से पार्टी ने गलत कदम उठाया है। और 41 की जो सूची आई है भारतीय जनता पार्टी की, उसके अंदर बहुत बड़ा विरोध है, और ये वसुंधरा राजे सिंधिया को किनारे लगाने के लिए पूरा गेम अमित शाह का है। मोदी का अंधभक्त था, परंतु जो पहली लिस्ट जारी हुई उस लिस्ट के अंदर अमित शाह ने और मोदी जी ने दोनों ने मिलकर भारतीय जनता पार्टी को जिन्होंने जन्म दिया माननीय श्री भैरू सिंह शेखावत जी, उनका नामो निशान खत्म कर दिया। नमस्कार, इस वक्त आप डीटीवी न्यूज देख रहे हैं, जय कोहली के साथ बताना चाहूंगा इस वक्त मेरी मौजूदगी जालुकी में है, और जालुकी के गणमान्य लोग मेरे साथ जुड़े हैं, उनसे आज हम चुनाव की चर्चा करेंगे, क्योंकि बीजेपी की पहली लिस्ट जो है, सूची जो है वो जारी हो चुकी है, जिसमें नगर विधानसभा, क्योंकि जालुकी जो है वो नगर विधानसभा का गांव है। अब जालुकी के जनता और लोग क्या कहेंगे, उनसे बातचीत करेंगे, क्योंकि अक्सर कर यहाँ बीजेपी के समर्थक और कांग्रेस के समर्थक मिलते हैं, जिस जगह मैं अभी बैठा हूँ, क्योंकि अब यहाँ से जो नेता थे उन्होंने बगावत भी शुरू कर दी है। जब टिकट कट गया तो उन्होंने कहा है कि हम लोग चुनाव लड़ेंगे, लेकिन अब जनता का मन क्या है कि जो निर्दलीय चुनाव की घोषणाएं कर चुके हैं, ऐसे नेताओं के साथ जाएगी या फिर बीजेपी के साथ जाएगी या कांग्रेस पार्टी को पसंद करेगी, या सारी बातें जो है जनता से करेंगे। जी हमारे साथ अधीश जी हैं, कैसे हैं जी आप? अभी तो मैं ठीक है। हाँ ठीक है सर। आपका जो डी टी वी आई है, सबसे पहले मैं जालू की चौराहे पर आप आए हो उसका धन्यवाद देता हूँ। मैं पहले भारतीय जनता पार्टी का पूर्व मंडल अध्यक्ष भी रहा हूँ, जन्मजात कर कार्यकर्ता हूँ भारतीय जनता पार्टी का। मैं आपको ये बताऊंगा, मैं मोदी का अंधभक्त था, परंतु जो पहली लिस्ट जारी हुई उस लिस्ट के अंदर अमित शाह ने और मोदी जी ने दोनों ने मिलकर भारतीय जनता पार्टी को जिन्होंने जन्म दिया माननीय श्री भैरू सिंह शेखावत जी, उनका नामो निशान खत्म कर दिया, उनके दामाद का टिकट काटा नरपत सिंह राजवी को, और टिकट वहां पर दिया दिया कुमारी को, जो मुगलों से मिली हुई थी, जिनका वंश मुगल समर्थक था, ऐसे आदमियों को जिन्होंने अकबर का साथ दिया, ऐसे आदमी को उन्होंने टिकट दिया, और भैरू सिंह शेखावत के दामाद का टिकट काटा। और एक संघ के कार्यकर्ता बहुत बड़े थे झोटवाड़ा से, राजपाल सिंह शेखावत, उनका जो समर्पित थे, संघ के बहुत बड़े गणमान्य व्यक्ति थे, और उनका इन्होंने टिकट काटा, वहां राजवर्धन राठौड़ को टिकट दिया। ये क्यों दिया मोदी अमित शाह ने, ये दोनों ताना शाह है, मैं मानता हूं मैं मोदी भक्ता, परंतु ये हिटलर हैं, और ये आने वाले दिनों में, मैं आपको विश्वास के साथ कहता हूं कि आने वाले दिनों में अमित शाह और मोदी ये योगी आदित्यनाथ को भी खत्म कर देंगे। वहां इनको जो भारतीय जनता पार्टी के अंदर जो उभरता है नेता, उसको इनका प्लानिंग खत्म करने की है। इसलिए मैं पार्टी, तो देखो मैं पार्टी में जन्मजात हूं, मोदी के और अमित शाह की पार्टी नहीं है, पार्टी हमने बनाई है, तो रहूंगा तो मैं पार्टी में, परंतु मैं ये कहूंगा कि ये हिटलर हैं और इनसे अब सावधान रहने की जरूरत है। और दूसरी बात ये भी कहूंगा कि यहां पर जो टिकट काटा है अनिता सिंह का, तो अनिता सिंह भी एक समर्पित कार्यकर्ता थी भारतीय जनता पार्टी की, और उन्होंने भी घर घर में उनकी पहचान है, भारतीय जनता पार्टी को सींचा है उन्होंने, तो ये भी मेरे हिसाब से पार्टी ने गलत कदम उठाया है। और 41 की जो सूची आई है भारतीय जनता पार्टी की, उसके अंदर बहुत बड़ा विरोध है, और ये वसुंधरा राजे सिंधिया को किनारे लगाने के लिए पूरा गेम अमित शाह का है। और अमित शाह एक जमाने के अंदर अटल बिहारी वाजपेयी जब प्रधानमंत्री थे, तो 13 दिन सरकार चली, और 13 दिन सरकार जब चली तो अटल बिहारी वाजपेयी उस ईमानदार व्यक्ति ने एक वोट संसद के अंदर मोल नहीं लिया, और ये कह दिया कि मेरी सरकार गिर जाएगी परंतु मैं एक वोट भी नहीं कर दूंगा। और ये अमित शाह ने 25 MLA 30 MLA MP के खरीद कर एक राजतंत्र को, एक प्रजातंत्र को हानि पहुंचाकर मध्य प्रदेश की सरकार गिराई और बीजेपी की सरकार वहां पर बनाई, तो प्रजातंत्र को ये
विनाश की ओर ले जा रहा है अमित शाह। तो इसने अटल बिहारी वाजपेयी के पद चिन्हों पर नहीं चल रहे हैं ये लोग, न मोदी चल रहा है, न तुम्हारे ये अमित शाह चल रहे हैं। वो अटल जी ने इस पार्टी को सींचा था और अटल जी की बदौलत है जो आज, और श्यामा प्रसाद मुखर्जी की बदौलत है जो भारतीय जनता पार्टी आज विश्व की नंबर वन पार्टी है। परंतु मोदी और शाह इस पार्टी को मिटाने में लगे हुए हैं, ये प्रजातंत्र का गला घोट रहे हैं और जो भारतीय जनता पार्टी का नेता उभरता है उसको ये बैक डाउन कर देते हैं, उसको आगे नहीं आने देते हैं। योगी आदित्यनाथ को आज पूरे भारत के अंदर एक ईमानदारी रूप में छवि देख रहे हैं, परंतु ये लोग अमित शाह उस योगी आदित्यनाथ के भी पीछे पड़ा हुआ है। मैं बस इतना ही बोलूं। देखिए, कल तक आप मोदी और अमित शाह के गुणगान गाते थे, आप जब भी आपसे बातें होती थी तो यही कहते थे कि मोदी ये हैं, योगी ये हैं, अमित शाह ये हैं, देश आज अच्छे आदमी के हाथ में है। आज वो ऐसे खराब कैसे हो गए, एक दिन में कैसे पलटवार हो गया, क्या ये पलटवार? मोदी के हम अंधभक्त थे और मैं मोदी की प्रशंसा भी करता था और योगी आदित्यनाथ की आदि, देखो योगी आदित्यनाथ की तो मैं आज भी बुराई नहीं कर रहा हूँ, परंतु ये अमित शाह एक ऐसा व्यक्ति है जाने क्या भगवान की माया है कि ये अमित शाह की बात ही मोदी मानता है और अमित शाह इस पार्टी को मिटाने में लगे हुआ है। अमित जो नेता उभरता है, आप एक सोचो, मुख्यमंत्री आदित्यनाथ उसके कहने पर मुख्य सचिव भी वहां पर मोदी का है, डीजी जो परमानेंट नहीं है वो भी मोदी का लगा हुआ है, अमित शाह का लगा हुआ है, एक मुख्यमंत्री का, तो एक योगी आदित्यनाथ जो पूरा देश सहारा उसके लिए, क्यों मोदी के बाद योगी के नारे लगते हैं योगी योगी योगी, और उस योगी को ये बिल्कुल डाउन कर देंगे, जैसे इन्होंने वसुंधरा निपटाई है ना राजस्थान से, आने वाले दिनों में योगी आदित्यनाथ को भी उत्तर प्रदेश के अंदर ये निपटाएंगे, ये मैं कह रहा हूँ। आप मुझे ये बताइए, अगर बात हम नगर की बात करें तो नगर में अब की बार जो पार्टी का फैसला उसको आप मान्य रखते हैं या नहीं रखते हैं, उसका समर्थन स्वागत करेंगे या नहीं करेंगे? पार्टी का फैसला नगर के अंदर सही नहीं है। सही नहीं है क्या? जवाहर जी पार्टी के आदमी नहीं है, वो संघ के आदमी नहीं है, पार्टी के लिए उन्होंने वक्त नहीं दिया है? देखो इस बारे में अभी मैं कोई कमेंट नहीं करूंगा, अभी विचार विमर्श चल रहा है पार्टी का, ठीक है ना? अच्छा, विचार में आप एक पर्सनल चेहरे को भी सपोर्ट करते हैं, अनीता सिंह जो कि पूर्व विधायक है उनको समर्थन करते हैं? मेरी सुनो, मैंने आपको ये पहले बता दिया कि ये अमित शाह की साजिश से ये भैरू सिंह शेखावत और वसुंधरा गुट को इन्होंने राजस्थान में खत्म कर दिया। इस भैरू सिंह शेखावत, अटल बिहारी वाजपेयी और लाल कृष्ण अडवाणी, इन्होंने पार्टी बनाई थी श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने, जो भैरू सिंह शेखावत का ही तो लोग नाम निशान मिटा रहे हैं राजस्थान से। अभी बताइए, अगर अनीता जी चुनाव लड़ते हैं तो आप अनीता जी के साथ रहेंगे, जवाहर जी के साथ रहेंगे या किसी और चेहरे के साथ जाना चाहेंगे? नहीं, अभी तो कोई मैं पूरी बात नहीं बताऊंगा, पार्टी का मंथन चल रहा है। अच्छा, पार्टी का मंथन, अगर अनीता जी ने तो कहा है कि हम लोग चुनाव लड़ेंगे? देखो ये तो बात की बात है, ठीक है ना, ये तो बात की बात है, अगर चुनाव लड़ती है तो तब आप समर्थन करेंगे या नहीं करेंगे, ये बताइए मुझे। देखो अभी तो अनीता जी की चुनाव लड़ने की कोई खास अभी मंशा नहीं है, अभी मंथन चल रहा है, कर दिया है कि हम चुनाव लड़के रहेंगे, चुनाव लड़ेंगे, ऐसा तो नहीं कि पार्टी पे दबाव बना ना, जब लड़ेंगी ना जब उसके बाद में इसके बारे में कमेंट दूंगा, अभी तो मंथन चल रहा है पार्टी का, साथ रहेंगे, शायद नहीं लड़े, अगर वसुंधरा का कोई निर्देश मिला कोई गुट का तो, और शायद वसुंधरा मना कर दे, शायद अनीता की टिकट कटने की वजह क्या मान रहे? अनीता का जो टिकट कटा है वो टिकट वजह की वो वसुंधरा भैरू सिंह शेखावत के गुट में थी और भैरू सिंह शेखावत के गुट को ये लोग और वसुंधरा के गुट को ये लोग नहीं चाहते। गुटबाजी राजस्थान में है, इसका खामियाजा भाजपा जो है उसको भुगतना पड़ेगा कि नहीं? भुगतना ही पड़ेगा पूरे राजस्थान में तुमको, इनको पूरे राजस्थान, देखो अमित शाह ने जो ये किया इसका खामियाजा पूरे राजस्थान को भुगतना पड़ेगा, पूरे राजस्थान, नगर नहीं, मैं पूरे राजस्थान की बात कर रहा हूँ, पूरे राजस्थान भुगतना पड़ेगा। ये बताइए, नगर से अनीता का टिकट कटा है, अनीता को चुनाव लड़ना चाहिए या नहीं? देखो ये तो अभी देखो हाई लेवल की बात है, मैं अनीता जी से मिला नहीं हूँ अभी, ठीक है ना, और मैं इस बारे में आपको बाद में जब कभी मिलोगे जब बताऊंगा, अभी मेरी अनीता जी से कोई बात भी नहीं हुई है। और भी लोग हैं उनसे बातचीत कर लेते हैं जी। आप बताइए जी, आप मुझे ये बताइए कि जो नगर विधानसभा में अभी बीजेपी की जो लिस्ट जारी हुई है उसमें जवाहर जी को जिम्मेवारी दी गई, तो क्या यहाँ से चुनाव निकाल पाएंगे? और जो जिनका टिकट कटा है निर्दलीय चुनाव लड़ने की घोषणा जो कर चुकी है अनीता जी, उनको चुनाव लड़ना चाहिए नहीं लड़ना चाहिए, दोनों? देखो इस चीज़ की तो मैं नहीं कह सकता, अपन तो वाजिब जी के साथ है, अपन ने जितने विकास किया है विकास पर ही हम हो रहे हैं, जालू की जो आज इस चीज की दिख रही है
यहाँ तक केवल आप वाजिब अली के साथ जी। ठीक है, आप बताइए जी, जो कह रहा सही है, सही है, जिसने विकास किया वो सही है। आप बताइए जी, इस पार्टी को समर्थन कर बीजेपी। अच्छा, अभी बीजेपी पार्टी को आप लोग समर्थन कर रहे हैं और बीजेपी के साथ रहेंगे, जवाहर जी को टिकट मिला है, अगर अनीता जी को मिलता वो ठीक रहता है या जवाहर जी को मिला वो ठीक? नहीं, ठीक तो अनीता जी को मिलता वो रहता, लेकिन हम तो पार्टी के साथ है जिसको। क्या उनको चुनाव लड़ना चाहिए अनीता जी को? नहीं, अब तो ये हाई कमांड के निर्देश के अनुसार जैसा भी होगा वैसे वो लोग सोचेंगे। जो टिकट मिल गया वो नहीं। चलिए मैं आपको बता दूं, लगातार लोगों से जानकारी ले रहे हैं। बाबा तबीयत ठीक है? ठीक है। कौन सी पार्टी को सपोर्ट करता है? हम तो भैया बीजेपी को कर रहे हैं। अच्छा, जवाहर जी को जिम्मेवारी मिली है तो कैसे देख रहे हैं चुनाव निकाल पाएंगे? भाई बीजेपी के साथ ही हैं हम तो। अच्छा, आप साथ हैं। हाँ। अनीता जी चुनाव की घोषणा कर रही है कि हम चुनाव लड़ेंगे, ना लड़े वो बात अलग है, बाकी हम तो पार्टी के साथ हैं। आप तो पार्टी के। चलिए लगातार आप हमारे साथ देखते हैं, अभी हम आपको बता दें जी। जी अभी ठीक है ना जी? पार्टी कौन सी सपोर्ट करते हैं? हम तो कांग्रेस करेंगे। कांग्रेस करते हैं? अच्छा, कांग्रेस को आप सपोर्ट करते हैं। चलिए लगातार लोगों से बातचीत कर रहे हैं और आप हमारे साथ बने रहेगा। वेद जी भी हमारे साथ हैं जी, तबीयत ठीक है? हाँ ठीक है। किस पार्टी को समर्थन करते हैं? देखो मैं किसी पार्टी का समर्थक नहीं हूँ, और सबसे बड़ी बात है लोकतंत्र में आम जनता जो वोटर है, जो नींव का पत्थर है, नींव की ईंट है, वो एक उद्देश्य लेकर के और एमएलए एमपी सरपंच इनको बनाती है कि हमारे क्षेत्र का विकास करेंगे, हमारे क्षेत्र में जन सुविधाएं उनका विस्तार करेंगे, इस सब चीज को है। हमको व्यक्ति और पार्टी से कोई मतलब नहीं है। निजी तौर से वाजिब अली जी जो इस क्षेत्र के विधायक हैं, उन्होंने इस जनता को अपनी तरफ से जो विकास कार्य कराए जाने थे उससे अपनी क्षमता से ज्यादा उन्होंने विकास कार्य कराए हैं। कहीं कोई कसर उन्होंने नहीं रखी। अब तक का इतिहास उठा के आप देख लो, कहीं कोई विधायक ऐसा नहीं है, चाहे किसी भी पार्टी का रहा हो, मैं नाम नहीं लूंगा, उन्होंने पूरे कार्यकाल में वो काम नहीं कराए जो इन्होंने अपने कार्यकाल में। तो फिर जब इन्होंने इतना काम किया है, आम जनता से जुड़ाव किया है, पहले एमएलए से भी मिलने में इस एमएलए ही 70 प्रश्न करते थे, अरे हम मिलने आए, हम आपके वोटर हैं, हमसे क्या प्रश्न करते हो आप। लेकिन ये सीधे स्वभाव के आदमी है, सीधा जाओ सीधा मिलो, कोई दल्ला फल्ला इनकी जरूरत नहीं है। ऐसी स्थिति में इनसे ज्यादा बढ़िया वोट का हकदार इस क्षेत्र में कोई नहीं है। और नगर आपकी वोट? हाँ, मैं मेरी वोट वाजिब अली कोई टिकट हो। ये तो लोग जो है ना अवसरवादी हैं, जो टिकट मिला तो हम इसमें, टिकट नहीं मिला तो उसमें, हम तो एक बिल्कुल जो है तन मन धन से समर्पित है, कोई दिक्कत नहीं है, और भगवान ने चाहा तो विजय श्री वाजिब अली जी को मिलेगी। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए इलाके के लोग इसलिए भी खुश हैं क्योंकि उनको आज तहसील मिला हो, थाना मिला हो, कहीं ना कहीं इलाके का जो है विकास हुआ है, इस वजह से वो लोग समर्थन कर रहे हैं। उनका यह भी कहना है कि पार्टी कोई भी हो, चेहरा वाजिब है, क्योंकि वाजिब ने यहाँ वाकई में वाजिब काम कराए। जनता का कहना है कि वाजिब काम कराए तो वाजिब को वाजिब वोट ही मिलेगा, और हम लोग वोट करेंगे, समर्थन करेंगे चेहरे के नाम पे, ना कि किसी पार्टी के नाम पे, क्योंकि अब से पहले इस जनता का इतना विकास नहीं हुआ जितना आपके बार हुआ है। वहीं पर उन्होंने कहा है कि कुछ लोग जो हैं वो दलबदलू हैं, जो नेता हैं वो दलबदलू हैं, अगर पार्टी से टिकट मिला नहीं मिला तो भाग जाते हैं अपने स्वार्थ के लिए, निजी स्वार्थ के लिए, सारी बातें की जा रही। लगातार आप हमारे साथ देखते रहे, कैमरा पर्सन के साथ मैं आपका अपना जय कोहली, डीटीवी न्यूज से। धन्यवाद।